नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। 307 सीढ़ियों के पार बसा बप्पा का दरबार, लंबोदर का एक ऐसा धाम जो उनका जन्मस्थान है। लेंडियाद्री की पहाड़ियों पर बसा आस्था का वो संसार जो आज भी भक्तों को सुनाता है कहानी पार्वती के तप की, कहानी गणपति के जन्म की, जहां के दर्शन से संवर जाते हैं भक्तों के कई जन्म और मिलता है मोक्ष। प्रथम तुला वंदितो कृपाला, प्रथम तुला वंदितो कृपाला, गजानना गणराया। प्रथम तुला वंदितो कृपाला, 307 सीढ़ियां। प्रथम तुला वंदितो मोक्ष का परम धाम। प्रथम तुला वंदितो, ये है गणपति का जन्म स्थान। प्रथम तुला वंदितो कृपा, दर्शन भर से भक्तों का बेड़ा पार। आस्था का ये वो सफर है जिसमें चढ़ाव बहुत ज्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थकान गायब हो जाती है, शरीर ही नहीं मन भी हो जाता है शांत। ये गणपति का जन्म स्थान है, ये वो जगह है जहाँ के दर्शन से कई जन्म संवर जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है और मन सुकून से भर उठता है। लेंडियाद्री अष्टविनायक यानी वो स्थान जहां गणपति का हुआ था जन्म, और वो भी माँ पार्वती के मैल से। लेंडियाद्री की पहाड़ियां आज भी भक्तों को सुनाती हैं पार्वती के तप की कहानी, कहानी गणपति के जन्म की। शिव को पति के रूप में पाने के बाद पार्वती को एक पुत्र की चाह हुई तो वो आ पहुंची इन्हीं पहाड़ियों में। पार्वती ने 12 साल तक शिव की तपस्या की और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन इसी गुफा में अपने शरीर के मैल से बनाई एक मूर्ति। ये उनकी तपस्या का ही असर था कि गणपति इस मूर्ति से प्रकट हुए और माँ की इच्छा पूरी की। पार्वती के मैल से पैदा हुए इस बच्चे का नाम देवताओं ने गणेश रखा। गणेश को यहाँ गिरिजात्मज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिरिजा यानी पार्वती का बेटा। कहते हैं यहाँ गणेश 5 साल तक रहे थे और उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। वैसे तो गणपति के भक्त और उनकी भक्ति की कहानी देश के हर कोने में देखने सुनने को मिल जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में लेंडियाद्री में गणपति का कुछ ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। यही वो शहर है जहां से जोड़ता है एक भक्त का सीधे भगवान से रिश्ता। लेंडियाद्री की इन पहाड़ियों में गणेश गुफा को आज भी देखा जा सकता है। घुप अंधेरे में गणपति का तेज भक्तों को दिखाता है रोशनी। लेंडियाद्री में बनी इस गणेश गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास लिए भक्त बेरोक टोक चढ़े चले जाते हैं। आखिर इसे ही तो भक्ति कहते हैं। पंकज खेलकर, लेंडियाद्री, आज तक। अब बात बप्पा के इस धाम की, जहां बाल रूप में गणपति देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। कहते हैं इस धाम में बप्पा अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए विराजमान हुए और अपने भक्त के नाम से ही जाने जाते हैं। वो धाम का महाराष्ट्र के पाली में बसा है बलारेश्वर धाम। धारण कर भक्त का नाम, गणपति ने दिखाया अपना चमत्कार। बाल रूप में प्रकट हुए भगवान, देखिए भक्ति की ये अनूठी मिसाल। भक्त
भक्त की शक्ति और भगवान की दरिया दिली की इससे बेहतर मिसाल कुछ और नहीं हो सकती। भक्ति ऐसी कि भगवान खुद भक्त में एकाकार हो गए, छोड़ दिया अपना नाम और पहचान और जाने जाने लगे भक्त के नाम से। पाली महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जहां बसते हैं बल्लारीश्वर अष्टविनायक। यहीं रहता था गणपति का छोटा सा भक्त बल्लार। लेकिन बल्लार की गणेश भक्ति उसके पिता को बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार गांव वालों ने बल्लार की शिकायत उसके पिता से कर दी कि बल्लार उनके बच्चों को बिगाड़ रहा है। बल्लार के पिता ने गणेश पूजा के दौरान न केवल उस पत्थर को फेंक दिया जिसे गणेश मानकर बल्लार पूजा करता था, बल्कि बल्लार को भी पेड़ से बांध दिया। भक्त की ऐसी दुर्दशा विघ्नहर्ता से देखी नहीं गई और उन्होंने प्रकट होकर बल्लार से वचन मांगने को कहा। बल्लार ने गणेश से पाली में ही रह जाने का वरदान मांग लिया और तब से गणेश पाली में ही बस गए। गणपति बल्लार की भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि पाली में उन्हें बल्लार के नाम से ही जाना जाएगा। यही नहीं, बल्लार के पिता ने जिस मूर्ति को फेंक दिया था उसे आज धुंडी विनायक गणेश के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु धुंडी विनायक के दर्शन के बाद ही बल्लारेश्वर में माथा टेकते हैं। कहते हैं धुंडी विनायक से पहले बल्लारेश्वर के दर्शन करने से यात्रा का पूरा लाभ नहीं मिलता। बल्लारेश्वर मंदिर में 3 फीट ऊंची भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति की आंखों और नाभि में हीरे जड़े हुए हैं। इसके अलावा भगवान का पूरा सिंहासन चांदी का है। मकर संक्रांति के आसपास सूरज की दशा इस तरह की हो जाती है कि उसकी पहली किरण भगवान बल्लारेश्वर की नाभि पर पड़ती है। बल्लारेश्वर में गणेश भगवान बाल रूप में विराजमान है। अपने भक्त की इच्छा के लिए गणपति यहाँ स्थापित हुए थे। यही वजह है कि साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन के बाद मन को शांति मिल जाती है और दुखों से पार पाने का हौसला भी। तभी तो गणपति के इस धाम पर दर्शन करने को आतुर रहता है बप्पा के भक्तों का मन। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में स्थापित ओझर अष्टविनायक गणपति का वो धाम जो सुनाता है कहानी बप्पा से हुई उस भूल की, जिसने स्वयं भगवान के लिए ही खड़ी कर दी बड़ी मुश्किल, जिसने एक असुर को हमेशा के लिए अमर बना दिया। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। वो है बुद्धि के देव, जो हर लेते हैं हर दुख। जो कर देते हैं विघ्न दूर। लेकिन एक दिन उनसे हो गई एक भूल। और मुश्किल में पड़ गए पार्वती पुत्र। भक्तों की भूल सुधारने वाले भगवान से भी हो जाए अगर भूल, और भूल भी ऐसी जो स्वयं भगवान के लिए खड़ी कर दे मुश्किल, ऐसे में अंदाजा लगाइए कितनी भारी पड़ी होगी ये भूल। ये भूल हुई थी बुद्धि के देवता गणपति से। ये भूल ऐसी थी जिसने एक असुर को अमर बना दिया, उसके नाम को देवताओं की श्रेणी में ला दिया। कहानी जानने के लिए चलते हैं पुणे से 105 किलोमीटर की दूरी पर बसे ओझर।
ओझर गणपति की भूल का एकमात्र गवाह। कहते हैं ओझर में अभिनंदन नाम के राजा ने एक बार इंद्र का सिंहासन पाने की जिद ठान ली। इसके लिए उसने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ से डरे देवताओं ने गणपति से गुहार लगाई। तब यज्ञ में विघ्न डालने के लिए गणपति ने विघ्नासुर को पैदा किया। विघ्नासुर ने यज्ञ में तो बाधा डाली ही, लेकिन वो देवताओं को भी परेशान करने लगा। परेशान देवता बप्पा के दरबार में पहुंचे। विघ्नासुर की करतूत सुनकर गणपति विघ्नासुर को दंड देने पहुंचे। डरकर विघ्नासुर ने बप्पा से जीवन दान मांगा। गणपति ने उसे आदिकाल तक आराधना करने के लिए कहा और इस तरह विघ्नासुर के आतंक से देवताओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। तपस्या खत्म हुई तो मजबूरन गणपति को विघ्नासुर को ये वरदान भी देना पड़ा कि बप्पा यहाँ उनके नाम से जाने जाएंगे। जो कोई विघ्नेश्वर के नाम से गणपति का जाप करेगा उसे सिद्धियों की प्राप्ति होगी। विघ्नासुर की हार से खुश देवताओं ने बाद में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन श्री विघ्नेश्वर की स्थापना की। ओझर में गणेश मूर्ति की आंखों में माणिक, माथे पर हीरा और नाभि में रत्न जड़े हुए हैं। कहते हैं यहाँ बप्पा अपने नाम के अनुरूप भक्तों के दुखों को हर कर पूरी करते हैं उनकी हर मुराद। जय गणेश, जय गणेश। पंकज खेलकर, ओझर, आज तक। क्यों एक बार शिव शंकर को भी लेना पड़ा पुत्र गणेश की शक्तियों का सहारा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए धर्म। आय के उस रूप की जिसके आगे उनके पिता साक्षात शिव को भी झुकना पड़ा। एक पिता को बेटे की शक्ति का लेना पड़ा सहारा। जी हाँ, राजण गांव के गणपति की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जानते हैं इस धाम की पूरी कहानी। जहां पिता ने की पुत्र की भक्ति, जहां पिता पर भारी पड़ी बेटे की शक्ति, जहां बेटे ने दिया पिता को वरदान, वो है रांजड़ गांव के महागणपति का धाम। गणपति की ये महिमा है, विनायक की, उन विनायक की जिनके आगे उनके पिता भोले भंडारी ने भी झुका दिया शीश। अष्ट विनायक की यात्रा में रांजण गांव एक ऐसा तीर्थ है जहां आकर भक्त को न केवल गणपति की शक्ति के दर्शन होते हैं बल्कि शिव की भक्ति से भी वो हो जाते हैं रूबरू। कहते हैं एक बार त्रिपुरासुर गणेश की आराधना कर परम शक्तिशाली हो गया। उससे युद्ध करने जो भी देवता आता उसे वो पल भर में हरा देता। परेशान देवता शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन जिस पर हो गणपति का आशीर्वाद उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता था। इसलिए शिव ने अपने ही पुत्र गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और त्रिपुरासुर का अंत करने का वरदान मांगा। त्रिपुरासुर ऐसा कोपे, शिव शंकर ना टोपे। त्रिपुरासुर ऐसा कोपे, शिव शंकर ना टोपे। बप्पा से वरदान पाकर भोले भंडारी ने कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा को त्रिपुरासुर का अंत कर दिया। इसके बाद से ही इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। भोलेनाथ को मुश्किल से उबारने के लिए बप्पा भव्य रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए रांजण गांव में उन्हें महागणपति के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ बाद में शिव ने अपने हाथों से गणेश की मूर्ति की स्थापना की थी। रांजण गांव के मंदिर की खास बात यह है कि सूरज की पहली किरण गणपति पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज भी गणपति के चरण छू रहा हो। यहाँ गणेश की मूर्ति की सूंड बाईं तरफ है, जबकि उनके बगल में रिद्धि सिद्धि हैं। वैसे तो यहाँ भक्तों का आना साल भर लगा ही रहता है, लेकिन गणेशोत्सव के दौरान यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। पंकज खेलकर, रांजण गांव, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।